वेलकम बैक माय चैनल ब्लॉग था। तो मैं अभी यहीं से अपना ब्लॉग एंड किया था, तो होली पे ही तो मैं यहीं से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं कल का पूरा रूटीन दिखाऊंगी और अभी मैं क्या बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कल होली पे तो बने रहे मेरे साथ, अभी मैं बनाने चलती हूँ। चलिए कुछ बनाते हैं। बोल काको, पूरा काको बोल दे। फ्रेंड्स को चटपटा बनाने के लिए दही भल्ले को थोड़ा सा अदरक और दो हरी मिर्च हमने काट के इसमें डाल दिए, इसी में पीस लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही अच्छे से ऐसे बोलो ना, हमारे लल्ला के हेलो हैप्पी होली, राम राम जी, बीबी जी, ये लो आप भी लगवा लो। अच्छा हेलो, हो गया हो गया, चलो चलो ओम बटवाहा। ये पागल क्या कर रहा हूँ। हैप्पी होली। अच्छा तुम लोग नहीं, वो नहीं होते इधर, तुमने कैसे दी फ्रेंड्स। चलो हैप्पी, तेरे को क्या नोता दू, हां तेरे को क्या नोता दू। अच्छा आ जाओ, चलो चलो बाद में आएंगे ऊपर। चलो क्या लाएंगे, चलो चलो ये बैलून वैलून बना रहे हैं, पकौड़ियाँ। अभी दही भल्ले बनाएंगे, बाद में राजमा। तो भाई आपको सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। कलरफुल अच्छे से खेलना होली और पानी वेस्ट मत करना। चलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा मैं मुझे अकेले बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं शूट करती रहूंगी। देखिए भाई हमारे हस्बैंड जी खड़े हैं, पति देव हेलो करो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। हाँ चलो देखो भाई, कोई नहीं खेल रहा, ऑल ऑफ माय फैमिली। ये देखो भाई अभी कोई बच्चे गए खेल के होली। चलो फिर शूट करेंगे बाद में। उनको बेटा पक्का रंग लगाऊंगी इन दोनों के भी। वाइट से फ्रोजी हो गए, फ्रोजी दो हो गए, काले हो गए अब तुम हैं। काले तो हम हैं, और काला करूंगी अभी, रुको जैसे दीदी हो रही है ना। चल 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 जल्दी जल्दी भाई, चलो आप कोई होली वोली नहीं खेला, काम कर कर भी थक गए हम तो होली वाले दिन। अभी बहुत सारा काम है, नींद आ रही है, सफाई करनी है। मेरठ में भी होली बहुत होली खेली है मैंने, कोई यकीन नहीं करेगा मैं इतनी होली खेलती थी। अब देखिए होली खेलने के बाद मेरी बेटी सफाई कर रही है। एक बार सुबह सफाई हो चुकी है और मुझे हो रही है बहुत थकान सारा काम कर। चलो भाई नहा धो लिए और दही बल्ले रह गए थे हमारे, अब बनाएंगे। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, होली भी नहीं खेली मैंने तो फिर भी थक गई काम करते करते। बच्चे खेलते होली, जब हम बच्चे थे तो हम खेलते थे। ये देखो दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले इसको फेंटते हैं एक साइड। हाँ दे रही हूँ। चलो भैया खाना के सब खा रहे हैं खाना। देखिए दही भल्ले के लिए हम मैंने ले ली मैं किशमिश। तो देखो इस तरीके से मैं बीच में रख के, साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से एक एक किशमिश बीच में रख के मैं इसको छोड़ती रहूँगी। ये देखिए ऐसे बहुत दही भल्ले में अच्छी लगती है किशमिश, मार्केट में तो ऐसी नहीं मिलेगी। ये देखिए बंदी हुई
गर्म कर लें अच्छे से, उसके बाद हम इसको धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। चलिए मैं उतार लेती हूँ। हमने एक भगोने में पानी लिया है और उसमें 1 स्पून हम डालेंगे चीनी और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक, देखिए, और अच्छे से मिक्स करके इसको फिर इसमें हम ये बनाई हुई पकौड़ियाँ डालेंगे। 5 मिनट के लिए इन सभी को इसको हम पानी में डाल के इसको ढक के रखेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसका मसाला बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा हमने लिया है जीरा और ये आधी कटोरी यानी कि इससे डबल हमने धनिया काली मिर्च ये देखिए बदतमीजी मतलब, तो थोड़ा थोड़ा ही भून के हम इसको पीसेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे जो हम दही बल्लों में डालेंगे। तो ये सब नहा धो लिए, कोई सो गया है खाना खा के, कोई खाना खाएगा, मैं बना रही हूँ दही बल्ले। मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सबका काम। चलिए पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मसाला पीस चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट सॉल्ट और ये ब्लैक, तो मेरे पास तो ये सेंधा नमक है, और थोड़ा सा डाल ऐड करेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा ही करेंगे ज़्यादा। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, देखिए मैंने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, थोड़ा काला नमक में अगर डली पड़ी हुई है तो उसको फोड़ लीजिए। चलिए मैं इसको डब्बे में डाल दूँ, ये मैंने डब्बे में डाल लिया है। आप इसे किसी भी चीज़ में, फ्रूट्स खा रहे हो किसी में भी, इसको सलाद में, रायते में, ये मसाला हम किसी भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। 5 मिनट हो गया और इसको ऐसे धीरे धीरे निकाल के रख लेते हैं। ये दही है, दही बल्ले के लिए हमें इसको किसी बारीक कपड़े में छानना होगा, आप चाहे तो कोई मलमल का कपड़ा हो या कोई भी हो। फिर से लगाएंगे दही, अब डालेंगे मसाला अपना यही मसाला। अगर आप तेज नमक खाते हो तो थोड़ा सा और नमक ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारी मीठी चटनी, ये हरी चटनी, डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली, अगर आप तीखा खाते हो तो रेड चिली डाल सकते हैं, हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दही बल्ले रेडी खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं देखने में। आप चाहें तो थोड़ी सी दही और इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं, देखने में एकदम टेस्टी यम्मी लग रही है। देखिए बाहर से भी अच्छी लग रही है, कलर देखिए इसका,
खाने में कितनी टेस्टी होगी, कि देखने में भी इतनी टेस्टी लग रही है।